हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिजिक्स में वीडियो नंबर 4 बना रहे हैं। और वीडियो नंबर 3 में पहले ही बता दिया था आपको मैंने कि हम गति की समीकरण पढ़ाएंगे। तो गति की समीकरण 3 है, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी, मतलब यू और टी की मल्टीप्लाई है, यू टी प्लस 1/2 ए टी की घात 2, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, मतलब वी घात 2 बराबर यू की घात 2 प्लस 2 ए एस। तो यहाँ पर यू क्या है, पहले से आपको पता दिया था, नहीं बताया तो फिर से याद रख लो। प्रारंभिक वेग जो हमारा स्टार्टिंग में शुरू में वेग होगा। वी क्या है, अंतिम वेग। एस क्या है, विस्थापन। टी क्या है, समय। और ए हमारा त्वरण है। ये पांच चीज है, पांच चीजों को याद रखो, है ना। सिंबल याद नहीं रहेंगे तो सूत्र कहां से याद होगे। तो पहले समीकरण, समीकरण याद रहे, समीकरण याद होनी चाहिए और उसका सिंबल भी याद होने चाहिए, को कौन सी क्या है। तो सबसे पहले गति की प्रथम समीकरण को हम निगमन करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है गति के बारे में। माना कोई वस्तु है हमारी, प्रारंभिक वेग उसका यू है, वो प्रारंभ उसका वेग यू है, से टी समय में, उसका वेग टी समय में एक समान त्वरण ए से त्वरित होकर, मतलब वो त्वरित त्वरण भी लग रहा है उसमें, ए समान टी समय में एक समान त्वरण ए से त्वरित होकर वी वेग प्राप्त कर लेती है। मतलब टी समय में उसका वेग क्या हो जाता है, वी। यू वेग प्रारंभ में था, टी समय लगाया था उसने, त्वरण उसमें ए लगाया था, मतलब उसको एसिलेटेड कराया था, मतलब इसकी वेग बढ़ाया था। तो ए त्वरण से त्वरित होकर वी वेग प्राप्त कर लेती है, वी वेग हो जाता है, तथा इस समय में वह एस दूरी तय कर लेती है। तो हमने इसका डिस्क्रिप्शन तीनों का तीनों समीकरण आ जाएगी इसी से। तो ये समझ लो, एक बार फिर समझ लो कि प्रारंभ में उसका वेग यू था, टी समय में ए त्वरण से त्वरित होकर वी वेग प्राप्त कर लेती है, और इस समय उसकी दूरी एस है। तो गति की जो प्रथम समीकरण है बड़ी आसान है, इसको हम कर भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं त्वरण की परिभाषा में। तो त्वरण की परिभाषा से ही गति की प्रथम समीकरण आ जाएगी। तो गति की प्रथम समीकरण निकालते हैं, त्वरण का क्या सूत्र था, त्वरण बराबर था वेग में परिवर्तन, मतलब वेग परिवर्तन, यही तो था, वेग परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल, जितना भी समय लग रहा है। तो त्वरण को क्या कहते हैं, सिंबल क्या है त्वरण का, ए। वेग का क्या, वेग परिवर्तन कैसे निकालोगे, मैंने बताया था किसी चीज को परिवर्तन निकालने के लिए अंतिम में से प्रारंभ घटा दो। तो पहले हमारा वेग था u, वेग की बात है ना, और अंतिम हमारा वेग है v, तो v में से u हटा देंगे तो वेग परिवर्तन आ जाएगा, v माइनस यू, यही तो था हमारा त्वरण में लिखवाया था, और समय है हमारा t, ये आ गया हमारा। अगर हम इसके नीचे एक मान के तिरछी गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, v माइनस के u बराबर एक गुणा t में करेंगे तो ए टी, तिरछी गुणा करने आती है ना, अगर ए गुणा टी ए टी, ये आ गया। और u का हम पक्षांतर करेंगे, यदि हम u का पक्षांतर कर दें, यहाँ कर रहे हैं इधर, तो u जब पक्षांतर करेंगे तो इधर रह जाएगा v, यहाँ तो v रह गया बराबर। जब u का पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर मतलब है बराबर से इधर ले जाएंगे, तो साइन बदल जाता है, तो माइनस का u है यहाँ पर, तो इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा u, तो u प्लस का हो गया, और at हमारा, सॉरी यहाँ पर t, at हमारा है a u प्लस at। तो गति की ये कौन समीकरण आ गई, देखो ऊपर चेक करो, मिल गई ना मिल गई गति की प्रथम समीकरण। तो ये गति की प्रथम समीकरण है, ठीक है ना। अब हम दूसरे समीकरण को भी निकालेंगे। गति की द्वितीय समीकरण के लिए क्या करेंगे, इसमें छोटा छोटा सूत्र लगाना है, तो पुराना वेग वाला, वेग का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। ये वीडियो नंबर मैंने आपको बताया था 2 में, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे
समय, लेकिन हमारे पास जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है तो उसमें वेग कितने, दो हैं, एक प्रारंभ वेग अंतिम वेग, तो कौन सा वेग लेंगे? ना तो हम अंतिम ले ना प्रारंभ ले, हम लेंगे औसत, इसलिए इसे औसत वेग लिख देते हैं यहाँ पर, औसत वेग। और तिरछी गुणा करोगे तो विस्थापन कैसा आ जाएगा, क्योंकि हमें एस निकालना है ना, एस क्या है, विस्थापन है, तो वहां पर मैं दूरी लिखो, विस्थापन मानना उसे जो पिछली दूरी तय की है ना विस्थापन, तो विस्थापन की तिरछी गुणा करोगे, यहाँ नीचे एक मान लेंगे, विस्थापन एक विस्थापन आ जाएगा यहाँ पर, औसत वेग गुणा समय, तो औसत वेग आ गया। तो ये सूत्र ये लगा देंगे इसमें, तो गति की प्रदूत समीकरण निकाल ले सकते हैं। तो औसत वेग कैसे निकालोगे भाई, हमारे पास कितने वेग है, दो वेग है हमारे पास, एक हमारे पास u है, एक हमारे पास v है, दो वेगों को, दोनों वेगों को जोड़कर आधा कर दो, ये हमारा औसत वेग आ गया, औसत वेग। तीन वेग होते तो तीनों को जोड़, तीन जोड़ते चार होते चार, किसी चीज का औसत निकालने के लिए तो सबको जोड़कर और जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो, ये औसत का निकालने का तरीका है। तो दो यू प्लस वी, तो कितने वेग हैं, दो, दो से डिवाइड करते तो ये आ जाएगा औसत, इसलिए हम औसत लगाएंगे वेग में, क्योंकि एक समान त्वरण लग रहा है, औसत निकाल सकते हैं वेग में। औसत वेग बराबर ये आ गया विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय, तो विस्थापन हमारा एस, हमने बताया था विस्थापन हमारा एस हुआ है, ठीक है, बराबर औसत वेग यू प्लस बी बटे दो गुणा समय हमारा टी है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, यू तो यहाँ पर है ही, लेकिन गति की प्रथम समीकरण यूज करते हुए हमने वी का मान रख लिया है, इसमें वी को मान नहीं रहना है, एस में जो गति की द्वितीय समीकरण है उसमें वी नहीं है, तो वी हटाना पड़ेगा, तो वी क्या मान हमने रख रहा है, यू, ये यू वी का मान है, यू प्लस ए टी, ये यू तो है ही अलग से, तो वी का मान क्या है, यू प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी हमने रख दिया, बटे में दो है गुणा t। अब हमारे पास दो u हो गए, एक u प्लस u, दो u और ए टी, और इनका जो हर है अलग अलग कर दिया दोनों के लिए, टू यू बटे टू और ए टी बटे दो। अब आगे देखो, देखते करते हैं, हम इसे मिटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, तो दो से तो दो कट जाएगा, इन दोनों का जो जोड़ आया था टू टू यू आया था और इसका हर दो था ये, और ए टी के नीचे भी हर मान लिया दो, तो ये तो कट गया, और टी की गुणा कर देंगे, या एस बराबर अभी बात यू बचा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, ए टी बटे दो, और बाहर क्या है टी, तो टी की गुणा होकर तो इसमें बस एस बराबर यू की गुणा टी में होगी, तो यू टी हो जाएगा, और ए बटे दो है उसे एक एक बटे दो अलग से भी लिख सकते हैं, और टी की गुणा टी में होगी तो टी की घात दो बन जाएगा, ए इंटू टी की घात दो, तो यही तो है गति की द्वितीय समीकरण। इस बात का ध्यान रखना कि कभी आपसे कोई कहे कि वह गति की तीन समीकरण होती है, कोई सी समीकरण ऐसा नहीं है, गति की प्रथम समीकरण यही होती है, वी बराबर ये द्वितीय है ये तृतीय है, इस बात का ध्यान रखना, तो फर्स्ट पूछे तो इसे ही बताना है, सेकंड पूछे कोई तो इसे बताना है, थर्ड पूछे तो इसी को बताना है। तो हमने गति की तीन दो समीकरण तो निकाल दी, पहली निकल गई दूसरी निकल गई, पहली की सहायता से ही दूसरी निकली है, अब दो पहली और दूसरी दोनों की सहायता से तीसरी निकालेंगे, तो गति की हमारी दो समीकरण होगी, अब तीसरी के निकालते हैं। तो चलिए, तो गति की तृतीय समीकरण के लिए क्या करेंगे, गति की तृतीय समीकरण के लिए हम गति की प्रथम समीकरण लिखेंगे पहले, तो गति की प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, इससे स्टार्ट करेंगे गति की तृतीय समीकरण को निकालने के लिए, निगमन करने के लिए। तो v बराबर u प्लस ए टी लिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमने इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो v घात दो हो गया, और यहाँ इधर u प्लस ए टी को कोष्ठक में लगाते तब तो वर्ग करेंगे। अब u प्लस ए टी, तो कोष्ठक को कैसे खोलते हैं वर्ग वाले को, तो आप याद हो तो a प्लस बी घात दो वाला सूत्र लगाएंगे इसमें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी
प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे, पहला का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का डबल और प्लस तीन दूसरे का वर्ग। तो इसमें ऐसे ही तो एक ही जगह हमारी यू समझो, पहले का वर्ग प्लस टू टू ए बी वर्ग, टू ए हो गया, ए हमारा यू हो गया, बी की जगह ए टी, टू ए बी, टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड में क्या दो दो पद दो चर है हमारे ए और टी, तो ए का स्क्वायर अलग करेंगे, टी का स्क्वायर अलग करेंगे, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। समझ में आया यार, एक बार फिर ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, ये तो है फर्स्ट का स्क्वायर इन प्लस टू फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का मतलब है कि पहला फर्स्ट ये और सेकेंड ये पद प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो टू यू ये हो गया। अब उसके बाद में हम इसमें से यहां से लेकर यहां तक टू ए कॉमन ले रहे हैं, इसमें टू है इसमें टू नहीं है, लेकिन हम इसमें मजबूरी से ले रहे हैं कॉमन, हम दो इसमें ऊपर मान रहे हैं अपॉन दो इसके नीचे मान रहे हैं, बात एक ही है, दो बटे दो एक ही हो जाएगा ये। और कॉमन तो इसमें से हम टी भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपना समीकरण बनानी है, हमें तृतीय है, तो तृतीय समीकरण बनाने के लिए टू ए इतना ही लेंगे, जिससे कि टू ए आ जाए और शायद जो बचेगा की वैल्यू एस की वैल्यू बच जाए। तो हमने टू ए कॉमन ले लिया, तो दो कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, एक तो ये कॉमन आ गया, एक ये कॉमन आ गया, तो इस वाले में क्या बचा, यू बचा और टी बचा, तो यू टी आ गया प्लस, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें दो तो है नहीं कॉमन लेने के लिए, तो दो हमने अपने मन मान लिया कि दो ऊपर है दो नीचे है, मानता एक ही है, इसका एक ही मान गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला जो कॉमन आ जाएगा ऊपर वाला तो नीचे वाला बच जाएगा, तो एक बटा दो, इसलिए यहाँ पर एक बटा दो आ गया, और ए कॉमन ले लिया, तो दो घात है तो एक घात कब बचेगी ए, और टी कॉमन लिया ही नहीं है, टी घात दो, तो ये बचा। एक बार फिर समझ लो ये कॉमन लेने वाली बात, टू ए कॉमन इसलिए ले रहे हैं जिससे कि हमारी समीकरण ये बन जाए, तो टू ए कॉमन ले लिया, यू बचेगा टी बचेगा, इसमें दो था नहीं, दो ऊपर मान लिया दो नीचे, तो ऊपर वाला का कॉमन आ गया, नीचे वाला बच गया, और ए कॉमन लिया था तो एक घात बची, टीक घात दो। अब देखो ये किसका सूत्र बच रहा है, यू टी प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर, किसका मान है ये एस का, तो इसलिए इस कोष्ठक की जगह हमने एस का मान रख दिया, तो सूत्र क्या बन गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए टू ए एस, जो गति की तृतीय समीकरण है। और यहाँ लिख दिया चूंकि एस बराबर यू टी प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर गति की द्वितीय समीकरण से, ये द्वितीय समीकरण का यूज करा है, तो ये कौन समीकरण आ गई, गति की तृतीय समीकरण। तो हमने तीनों समीकरणों का निर्माण कर दिया है, ठीक है, समीकरण ओके।